लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है, लेकिन इसके बीच भी बयानबाजी थमी नहीं है। आपने देखा ही होगा कैसे पिछले दिनों पीएम मोदी पर लोगों ने निशाना साधा और कई सारी टिप्पणियां भी की। खैर, यह तो चुनाव का हिस्सा है। आपको बताते हैं, मौका था चुनावी प्रचार का। इंदौर में प्रचार कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, इसी दौरान कह गए कुछ ऐसा जिससे काफ़ी लोगों के मनोभाव को ठेस पहुंच सकता है। हालांकि सिद्धू अक्सर बयानबाजी किया करते हैं और ऐसा लगता है कि विवादित बयान से उनका जन्म जन्म का साथ है, लेकिन इन्हीं बयानबाजियों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान में काफ़ी कुछ ऐसा कह दिया जो सोचने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। वैसे पहले आपको बताते हैं क्या है वो बयान। दरअसल उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए यह कहा कि मोदी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज़्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को ये पता लग सके कि वह काम कर रही है। भले ही सिद्धू का निशाना पीएम मोदी की तरफ था, लेकिन उन्होंने जिससे उनकी तुलना की वो सही नहीं था। सिद्धू यह दर्शाना चाह रहे थे कि पीएम मोदी ने पिछले कार्यकाल में देश के लिए कुछ नहीं किया है, वह बस लोगों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं और लोगों को यह जताते हैं कि उन्होंने काम किया है। जैसे कि नई दुल्हन की चूड़ियों की खनक से लोगों को यह समझ आता है कि दुल्हन बहुत कामकाजू है। खैर, अगर बात करें दुल्हनों की, तो सिद्धू जी को यह जान लेना चाहिए कि दुल्हन बनना कोई आम बात नहीं है। लड़कियां अपना घर बार छोड़कर किसी के घर जाती हैं, उनके घर को संभालती हैं। शायद सिद्धू जी के घर को भी किसी दुल्हन ने ही संभाला होगा। हालांकि मैं बात कर रही हूँ दुल्हनों की, सिद्धू जी ने चूड़ियों की भी बात की थी, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर दोनों हाथों में एक दर्जन भी चूड़ी कोई पहन लेना, तो हर बार उसकी खनक सुनाई देगी। हर काम में, हर मूवमेंट में उन चूड़ियों की खनक हमें सुनाई देगी। वैसे ही अगर देश में कुछ काम हुआ है तो लोगों को दिखता है, और अगर नहीं हुआ है तो वो भी दिखता है। वैसे सिद्धू किसी रैली में जाएं और विवादित बयान न दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह नामुमकिन सा लगता है। कभी कभी तो लगता है सिद्धू को लोग पूर्व क्रिकेटर की जगह कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए ज़्यादा जानते हैं। वैसे सिद्धू ने उस रैली में यह भी कहा कि मैंने हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, बीवी नंबर वन जैसी फिल्में देखी थी, लेकिन इन दिनों मोदी की एक नई फिल्म आ रही है फेकू नंबर वन। वैसे इन बयानों से साफ साफ यह झलक रहा है कि सिद्धू चुनाव को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हैं, लेकिन इसी दौरान दुल्हनों को लेकर यह बयान कई औरतों के सेंटिमेंट को ठेस पहुँचाता है। वैसे ऊपरी तौर पर सिद्धू का यह बयान पूरी तरह राजनीतिक लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके तह में जाए तो ऐसा लगता है कि दुल्हनों को सिद्धू अपने विपक्ष की तरह नकारा समझते हैं। जाते जाते सिद्धू को बस यह कहना चाहूँगी कि आप अपनी राजनीति खेलें, बयानबाजी भी करें, लेकिन यह याद रखिएगा कि कल्पना चावला से लेकर माँ दुर्गा ने भी चूड़ियाँ पहनी थी, और उनके कामों की गाथा गाने की ज़रूरत हमें नहीं है।